हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। बेटा बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, एंड देन वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज अभी इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। डिफरेंट ऑर्डर की जो रिएक्शंस हैं, ऑर्डर का टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो डिफरेंट ऑर्डर्स की जो रिएक्शंस हैं उनके लिए रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट्स होंगे, वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, नाउ यू नो वेरी वेल बेटा, इन जनरल रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर एन। ले सकते हैं नहीं, हमने कहा था कि K into concentration of A raised to the power alpha concentration of B raised to the power beta, अभी तक ये यूज करते आए हैं। बट यू नो वेरी वेल बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है N, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू N, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस मीन्स दैट वी कैन राइट दिस K इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आर, मैंने ए और बी को रिएक्टेंट्स मान लिया है, रिएक्टेंट्स एंड दिस बिकम्स रेट टू द पावर एन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन हो गया बेटा। ओके, नाउ अब एन हो गया ये। अब रेट क्या होता है, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ये होता है बेटा। चेंज इन कंसेंट्रेशन मीन डी एक्स अपॉन चेंज इन टाइम डी टी इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर एन। तो के क्या आ जाएगा यहाँ से। अब एक और पॉइंट यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट ये क्या बेटा, चेंज इन कंसेंट्रेशन इज नथिंग बट कंसेंट्रेशन ही है ये। यहाँ पर टाइम आएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू के इंटू ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर एन। तो क्या बन गया यहाँ से बेटा, के इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए इसको यही रख लेते हैं, कंसेंट्रेशन नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर देखना, कंसंट्रेशन और ये हो गया कंसंट्रेशन रेज टू द पावर एन इंटू वन अपॉन टाइम, ये आ गया। इसको देखो ध्यान से, ये पावर वन है, दिस इज नथिंग बट पावर वन है इस कंसंट्रेशन की, और ये एन है बेटा। इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी इसकी, माइनस एन हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर वन माइनस एन टाइम इनवर्स, ये भी इनवर्स हो गया टाइम भी। ओके, सो दिस इज नाउ जनरल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू यूनिट्स कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है बेटा, मोल लीटर इनवर्स होती है, मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर वन माइनस एन टाइम इनवर्स, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन बन गया। आप इस एक्सप्रेशन में अगर एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, देन वी कैन कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, अब पॉइंट क्या बेटा, यहाँ से ध्यान से जो हमें देखना है यहाँ पर, टाइम के यूनिट क्या लेंगे हम, सेकेंड लेते हैं जनरली, टाइम के यूनिट्स क्या लेंगे हम, सेकेंड लेंगे यहाँ पर, दिस इज। तो मैं और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके लिखूँ, अगर इसके यूनिट पुट कर दूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, टाइम के यूनिट सेकंड ले लेते हैं, तो इट बिकम सेकंड इनवर्स, ये बन जाएगा बेटा सेकंड इनवर्स, ये हो गया। तो के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स होल रेज टू द पावर वन माइनस एन सेकंड इनवर्स, ये बन गया। ये आपको माइंड में रखना, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन आवर माइंड। अगर हम इसमें एन की वैल्यू, मीन एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वी कैन कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें, नाउ वी पुट वैल्यूज ऑफ एन for different orders, then we can calculate units of rate constant for different orders of reaction. देखिए कैसे बेटा, ध्यान से आपको करना है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बिल्कुल easy point है। Okay, so for zero order reaction के लिए क्या होगा बेटा, n is zero, n की वैल्यू जीरो पुट कर दो, therefore k क्या बन जाएगा यहाँ पर, k is equal to मोल लीटर इनवर्स रेज टू द पावर वन माइनस जीरो, वन माइनस आ रहा है वन माइनस जीरो, और ये सेकंड इनवर्स, वन माइनस जीरो वन ही हो गया, तो क्या यूनिट्स बन गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट
और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने फर्स्ट केस ले लिया। सिमिलरली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम ले सकते हैं बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, वन पुट कर दो भाई इसके अंदर, तो देयर फॉर के क्या बन जाएगा, मोल लेटर इनवर्स रेज टू द पावर वन माइनस वन हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। एन इज वन माइनस वन क्या आ गया, जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ये तो वन हो गया, तो यूनिट्स क्या रह गई, सेकेंड इनवर्स रह गई। सेकेंड इनवर्स आर द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली थर्ड केस फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा बेटा, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू टू हो जाएगा, देयर फॉर के क्या बन जाएगा, मोल लेटर इनवर्स रेज टू द पावर वन माइनस टू सेकेंड इनवर्स क्या हो गया, ये देखो मोल लेटर इनवर्स रेज टू द पावर माइनस वन आ गया, इट बिकम्स मोल लेटर इनवर्स रेज टू द पावर माइनस वन सेकेंड इनवर्स, ये बन गया बेटा। बेटा अगर पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, हमेशा ध्यान रखो पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो देयरफॉर के की यूनिट्स क्या आएंगी, यहाँ से के की यूनिट्स क्या बनेंगे बेटा, यहाँ से देखिए पावर पे पावर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई, ये लीटर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर वन हो जाएगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी, क्या बन जाएंगे, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देज आर द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट्स बन गई बेटा, that is liter mole inverse second inverse, these are the units of rate constant for second order reaction. In the same way third order, fourth order and nth order के लिए है ही, ठीक है ना, हमने लिखा ही हुआ है, तो in this way we can calculate units of rate constant for every order of reaction, कोई भी order है reaction का हम उसके लिए units calculate कर सकते हैं बेटा, easily हम calculate कर सकते हैं। Now ये तो था if in the reaction reactants are present in solid or liquid phase, तो हम उनकी concentration लेते हैं, okay? But if reactants are present in gaseous phase, for gaseous reactions, ठीक है, what we can do? For gaseous reactions, what we can do? Now, for gaseous reactions, what happen बेटा? Gaseous reactions के लिए, बेटा जो concentration है, concentration is replaced by pressure. Concentration को हम pressure से replace कर देंगे for gaseous reactions, okay? तो अभी तो जो हमारा फॉर्मूला था K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स था, ये दिस टाइम इनवर्स, ओके। फॉर गैसियस फेज, फॉर द रिएक्शंस इन गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज में है रिएक्शंस, व्हाट हैपेंस बेटा, कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, प्रेशर से प्लेस कर देंगे कंसंट्रेशन को, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, प्रेशर किस में लेना है, एटमॉस्फेयर में, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये चेंज करना है बस आपको कि कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, देयरफॉर के क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ गया, प्रेशर के यूनिट्स क्या लेंगे बेटा, एटमॉस्फेयर में लेने हमें एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट बिकम्स एटमोस्फियर रेज टू द पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, दिस इज फाइनल फॉर्मूला फॉर यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इन गैसियस फेज, गैसियस फेज कहते हैं, इन गैसियस फेज, ओके। गैसियस फेज में कंसंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, ये ध्यान रखना, और प्रेशर किस में लेना है, एटमोस्फियर में लेना आपको बेटा, देयरफॉर यूनिट्स क्या बन जाएंगे, है ना, फोर मान लिया जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो पुट कर दो, देयरफॉर के की क्या यूनिट बन जाएगी, के इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर वन माइनस जीरो, वन ही रह गया ये सेकेंड इनवर्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, देयरफॉर के की यूनिट क्या बन जाएंगे, के इज इक्वल टू बेटा एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर वन माइनस वन, एटमोसफियर रेज टू द पावर वन माइनस वन सेकेंड इनवर्स आ गया, एंड इट बिकम्स क्या बन जाएगा, देखो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन ही होता है, तो क्या रहेगी सेकेंड इनवर्स, तो देयरफॉर के बन गया बेटा, यूनिट्स बन गए इसकी सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या आ जाएगा,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एन इज इक्वल टू टू आ जाएगा बेटा, टू पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, इन दिस फॉर्मूला वी कैन पुट टू, टू पुट कर सकते हैं। तो देयर फोर के इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, यूनिट्स क्या आ जाएंगे की एटमोसफियर रेज टू द पावर 1-2 सेकेंड इनवर्स, और यह बन जाएंगे बेटा -1, तो एटमोसफियर -1 एटमोसफियर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर एवरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, आप ऑर्डर का पता होना जरूरी है। आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इजिली, बिल्कुल सिंपल मेथड। 1 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि वाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 1st ऑर्डर रिएक्शन, 2nd ऑर्डर रिएक्शन, 3rd ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से। तो आपको कुछ भी नहीं, एन की जगह 1, 2, 3 पुट करने हैं, या 0, 1, 2, 3 जो भी है, जो भी ऑर्डर गिवन उसकी वैल्यू पुट कर दो एन की जगह, बाकी सोल्व कर दो, अपने आप यूनिट्स बन जाएंगे। ओके, यू हैव टू लर्न दिस। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक पर अब हम चलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड होकर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बेटा अभी। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, तो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई है यहाँ पर ताकि टाइम सेव हो जाए हमारा, टाइम वेस्ट ना हो, आपका भी टाइम बड़ा कीमती है बेटा, प्रीशियस टाइम है आपका। तो देखिए इसके लिए रीड क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट हमें गिवन है बेटा, दे रखा है आपको, ये दिया हुआ है आपको। इसके लिए आपको बेटा यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, सॉरी ऑर्डर कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कुछ भी नहीं है, वेरी इजी। कैसे बोल रहा हूँ मैं वेरी इजी इसको, क्योंकि आपको जो रेट कॉन्स्टेंट दे रखा है उसकी सिर्फ यूनिट्स चेक करनी और कुछ भी नहीं, यूनिट्स को देखकर ही आपको पता लग जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैल्यू चाहे कुछ भी हो रेट कॉन्स्टेंट की, डू नॉट टेक एनी टेंशन अबाउट दिस, है ना। ये तो सिर्फ बच्चे को पजल करने के लिए गिवन है कि वैल्यू ये, वैल्यू ये, वैल्यू ये, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज है, बट आपको सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान देना है, मेन पॉइंट पर टारगेट करना आपको, और मेन टारगेट क्या है आपका बेटा, दैट इज यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। अगर यूनिट्स पता है तो अभी हमने सॉल्व किया था, हमें ऑर्डर पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, के इज इक्वल टू 2.3 × 10⁻⁵। यूनिट्स को देखो ध्यान से, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखो भाई ये यूनिट्स किस में रेट कॉन्स्टेंट की, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, कंसंट्रेशन के होते हैं मोल पर लीटर, है ना। अब रिवर्स होगा, मीन ऊपर, इसका मतलब मोल पर लीटर के ऊपर -1 आया है, और -1 कब आएगा, जब 1-2 करेंगे, मीन ऑर्डर क्या है 2, सेकंड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2, पता चल जाएगा सिंपल। सेकंड के इज इक्वल टू 3.1 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स क्या होगा, मीन मोल लीटर इनवर्स वाला टर्म है, जीरो ही हो गया, वन हो गया, वन कब आया, जब एनिथिंग रेट पर जीरो हो, जीरो कब आएगा, 1-1 करेंगे तभी जीरो आएगा पावर में। तो मीन दीज आर द यूनिट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू क्या हुई 1, ऑर्डर क्या आ गया 1, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, थर्ड बिल्कुल मतलब उसी फॉर्मूले पर जाना, आपको वैल्यू पुट करके देखो क्या यूनिट्स बन रही है, ठीक है, ये यूनिट कब बनेगी वो ऑर्डर लिखो आप। के इज इक्वल टू 9.3 × 10⁻⁴ एंड यूनिट्स है बेटा लीटर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्या थी, जीरो ऑर्डर के लिए थी ये, तो ठीक है, मोल लीटर इनवर्स एस्टिंग से पावर 1, पावर 1 कब आए, जब 1-0 करेंगे हम, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या होगा इसके लिए, ऑर्डर इज 0, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप से आप बेटा ऑर्डर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, सिर्फ आपको यूनिट्स चेक करनी है रेट कॉन्स्टेंट की। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, यहाँ से रेट लो एक्सप्रेशन आपको गिवन है बेटा, और हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना रेट लो एक्सप्रेशन के लिए। ए पार्ट करता हूँ सॉल्व इसका, रेट लो एक्सप्रेशन फॉर दिस इज रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1/2
इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 3/2, ये है बेटा इस वन। ओके, तो ऑर्डर क्या होता है, अगर हमें रेट एक्सप्रेशन गिवन है, इफ वी हैव रेट लो एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन, देन हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या होता है ऐसे केस में बेटा, सम ऑफ द पावर्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन रेट लो, ठीक है ना, यही होता है। तो मेन ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, दैट इज पावर्स का सम करना 1/2 + 3/2, इट कम्स आउट टू बी कितना आ गया बेटा, 2 LCM आ गया, एंड 1 + 3 = 4, 4/2 दैट इज 2, ऑर्डर इज 2, सेकेंड ऑर्डर। ऑर्डर कितना आ गया बेटा, सेकेंड ऑर्डर है फर्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए। नाउ सेकेंड, रेट इज इक्वल टू के इंटू, हमें गिवन है रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 3/2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर -1, दिस ये है बेटा। देयरफॉर ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ऑर्डर इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 प्लस दिस, ये माइनस का है तो माइनस आ गया, तो क्या हो गया 3 - 2/2 कितना आ गया बेटा, 1/2, हाफ ऑर्डर, ऑर्डर इज 1/2 फॉर दिस, बिल्कुल ईजी है, ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं इसको बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर 2 आ गया है, इसके लिए ऑर्डर 1/2 आ गया है, बिल्कुल ठीक है। मीन ऑर्डर में भी इन्फ्रैक्शंस और होल नंबर कुछ भी हो सकता है, डू नॉट गेट पजल अबाउट दिस, बिल्कुल भी आपको पजल नहीं होना। ओके, नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन के लिए देखो ध्यान से स्टेटमेंट रीड करो क्वेश्चन नंबर थर्ड की। द रेट लो फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, दिस रेट लो एक्सप्रेशन हमें गिवन है फॉर ए रिएक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस टाइप का भी, बोर्ड में आया हुआ है कई बार बेटा। ओके, तो इंपॉर्टेंट टाइप है ये आपके लिए, दिस रेट लो एक्सप्रेशन है बेटा, हमें गिवन है रेट लो एक्सप्रेशन, और रेट लो एक्सप्रेशन क्या है, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ टू नेगेटिव रेज टू द पावर -1 है, आई नेगेटिव पावर सॉरी एन ओ टू नेगेटिव रेज टू पावर 1 है, आई नेगेटिव की पावर भी 1 है, एच पॉजिटिव पावर 2 है, ये रेट लो एक्सप्रेशन है। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज डबल, कंसेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ एन ओ टू नेगेटिव आई नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव आर ट्रिपल। मीन हर एक केस में आपसे ऑर्डर पूछा गया है कि क्या इफेक्ट होगा ऑर्डर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ऑर्डर पर दे सकते हैं। तो रेट लो एक्सप्रेशन आपको गिवन है बेटा, रेट इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ टू नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव रेज टू द पावर 2, ये गिवन है आपको। ओके, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसका, कुछ भी नहीं है, जो भी कंसेंट्रेशन चेंज किया है वो वैल्यू से पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप न्यू रेट आ जाएगा। ओके, दिस फर्स्ट पार्ट हमसे क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज डबल, हमसे पूछा गया है कि क्या रेट होगा जब कंसेंट्रेशन एच पॉजिटिव डबल हो जाए, तो एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डबल कर दो, देयरफॉर रेट क्या बन जाएगा, आर डैश ले लेता हूं मैं इसको, दिस इज इक्वल टू जब कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे तो के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ टू नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, क्या कर दिया आपने, डबल कर दी है, तो 2H+ रेज टू द पावर 2, है ना। तो बेटा कंसेंट्रेशन टर्म के अंदर है ये, इसके ऊपर है ना पावर, तो 2, तो 2 सा क्या हो जाएगा 4 बाहर आ गया, क्या बन गया ये, दिस कम्स आउट टू बी 4 इंटू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एन ओ टू नेगेटिव आई नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव रेज टू द पावर 2, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इनिशियल रेट, ये तो यही था गिवन था हमें जो दिस वन, ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज नथिंग बट दिस रेट बेटा, देयर फॉर जो रेट न्यू रेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4 times ऑफ इनिशियल रेट, है ना, मीन वी कैन राइट बेटा 4 times, रेट क्या आ गया 4 times हो गया देन द इनिशियल रेट व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल, बिल्कुल इजी। नाउ सेकेंड पार्ट में बोलता कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ, ठीक है ना, तो देयरफॉर अगेन रेट तो है ही हमारे पास, आर डैश क्या आ गया आपका, रेट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या है एन ओ टू नेगेटिव एज इट इज है, आई नेगेटिव की हाफ की है, आई नेगेटिव कंसंट्रेशन तो 1/2 हो गया,
आई नेगेटिव बाई टू हो गया है बेटा ये कंसेंट्रेशन, एंड इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव रेज टू द पावर टू, ये एच डी एच पुट कर दिया आपने, तो हाफ कर दिया तो बाहर आ गया वन बाई टू, इसमें से निकल के तो वन बाई टू इंटू दिस के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव का स्केयर, एंड वाट इज दिस अगेन, दिस इज नथिंग बट इनिशियल रेट जो हमें गिवन है ये दिस वन, ओके इसके जगह वैल्यू पुट कर दो, देयरफॉर वन बाई टू इंटू रेट आ गया, ये इनिशियल रेट था जो रेट आर डैश जो रेट, देयरफॉर वन बाई टू टाइम्स, तो रेट क्या बन जाएगा 1/2 टाइम्स बन जाएगा व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज डबल, सॉरी हाफ, ठीक है ना। थर्ड हमसे पूछा गया बेटा थर्ड पार्ट में कि व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ईच वन इज ट्रिपल, आर डैश क्या बनेगा के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ रे की कंसेंट्रेशन क्या हो गई ट्रिपल कर दी ना, देखो ईच एनओ टू आई नेगेटिव एच पॉजिटिव आर ट्रिपल, सभी कंसेंट्रेशन ट्रिपल, सभी के ट्रिपल कर दो कंसेंट्रेशन, 3 इनटू एनओ टू नेगेटिव कंसेंट्रेशन है 3 आई नेगेटिव कंसेंट्रेशन, इसमें देख देख के पुट करो, इसमें 3 3 3 पुट कर देंगे तीनों जगह, 3 एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और ये भी 3 3 जा 9 9 9 जा 81 टाइम्स ऑफ के इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव रेज टू द पावर टू, एंड वॉट इज दिस बेटा अगेन, दिस इज नथिंग बट क्या आ गया आपका इनिशियल रेट, मीन रेट क्या बन गया न्यू रेट बिकम्स इक्वल टू 81 टाइम्स, क्या गया बेटा आंसर आपका 81 टाइम्स हो गया व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज ट्रिपल, न्यू रेट बिकम्स 81 टाइम्स, बिल्कुल इजी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप इन माय कंट्री, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, रेट द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज हाफ कब व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल्ड, भाई ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर वॉल्यूम डबल कर देते हैं वेसल का तो रेट हाफ हो जाता है, क्यों, क्योंकि बेटा जैसे जैसे वॉल्यूम हम इंक्रीज करेंगे एक और पॉइंट कंसेंट्रेशन भी तो चेंज होती रहेगी, है ना, अगर वॉल्यूम आप डबल करोगे तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम आप 3 टाइम्स कर दो कंसेंट्रेशन 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी कंसेंट्रेशन, आप वॉल्यूम आप 10 टाइम इंक्रीज कर दो तो वॉल्यूम तो कंसेंट्रेशन 1/10 हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से सिंपल जितना वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे कंसेंट्रेशन उतनी ही घटती जाएगी, क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते जाते हैं डिक्रीज होते जाते हैं विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओके। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं अभी, द रेट ऑफ ए गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल, जब वॉल्यूम ऑफ वेसल डबल कर दिया है तो रेट ऑफ द गैसियस रिएक्शन हाफ हो गई है, तो सिंपल हम अज्यूम कर लेते हैं देयरफॉर वी कंसीडर जनरल रेट ऑफ द रिएक्शन आर इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन, ये होता है, और ए कंसंट्रेशन स्मॉल ए मान लेते हैं, ए रेज टू द पावर एन, दिस ए इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके ये मान लिया हमने, R is equal to K into A raised to the power N assume कर लिया, rate of the reaction initially, जब initially था, ये initial assume कर लिया, अब हम change करेंगे, क्या बोल रहा है ये, कि the rate of a gaseous reaction is half, rate half हो गया है, rate becomes half, कब, when volume of the vessel is doubled, एक point ध्यान रखना है, if volume is doubled, पहले concentration calculate करनी पड़ेगी, then concentration क्या बन जाए, concentration becomes half, concentration becomes half, if volume is doubled then concentration becomes half, concentration half हो जाएगी, therefore put in first, rate तो बता ही रहा है half हो गया जब volume को double किया है, तो concentration भी क्या हो गई half हो गई, that is a क्या बन गया a by 2 हो गया बेटा, that is k into a by 2 raised to the power n, ये है ना, this is equation second, अब देखो solve करना है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे टू ऊपर आ जाएंगे, इजी हो जाएगा सोल्व करना हमारे लिए, ओके। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, वी गेट, क्यों हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल ईजी है, ठीक है, डिवाइड कर दो आर अपॉन आर बाय टू, टू ऊपर आ गया बेटा, इज इक्वल टू
के इंटू ए रेज टू द पावर एन, और ये क्या आ गया के इंटू ए रेज टू द पावर एन, और ऊपर मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू द पावर एन चला गया। यस, अपॉन टू की पावर एन था ना बेटा, ये होता ना ए अपॉन बी होल रेज टू द पावर एन है, तो वी कैन राइट ए की पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन, सिंपल लिख सकते हैं इसको। ओके, अलग अलग करके सिमिलरली सेम पॉइंट आपने अप्लाई किया यहाँ पर। ओके, तो क्या बनेगा बेटा, आर से आर कैंसिल हो गया, देखो जो तो कैंसिल होता है, मैं कट कर देता हूँ दिस, के कैंसिल हो गया, ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, टू इज इक्वल टू टू रेज टू द पावर एन। अब मैथमेटिक्स में एक रूल है बेटा कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है, इफ बेस सेम तो पावर इक्वल, मीन इसकी पावर कुछ भी नहीं दिखाई देगी, जीरो नहीं है, एन थी रेज टू को जीरो तो वन होता है, क्या है फिर इसका मतलब, वन, अगर 2 की पावर 1 करेंगे तब तो 2 आएगा, इसका मीनिंग क्या है, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ गया 1, मीन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में ऐसा होता है कि अगर बेटा वॉल्यूम डबल करेंगे तो कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम डबल करेंगे तो रेट हाफ हो जाएगा, मीन अगर हम कंसंट्रेशन हाफ करते तो रेट भी हाफ हो जाएगा, अंडरस्टैंड किया पॉइंट, जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी वैसे वैसे रेट भी चेंज होता जाएगा, कंसंट्रेशन वन फोर्थ करोगे रेट भी वन फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोलते हैं, इसका मतलब ध्यान रखना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज करोगे वैसे वैसे उसका रेट भी चेंज होता जाएगा, दिस इज डायरेक्टली चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, मीन दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर ए रिएक्शन ए टू डू बी, इसी टाइप का है, द रेट ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 9 टाइम्स। ठीक है, देखिए हम इसको यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, क्या गिवन हमें, दिस इज द रिएक्शन, इसके लिए अगर जनरल इन जनरल हम लिखें बेटा, रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर एन होगा, रिएक्टेंट्स एन, और ए की कंसंट्रेशन को स्मॉल ए अज्यूम कर लिया हमने, तो इसके लिए ये बन गया आर इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन, फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम कर लिया। अब आगे अप्लाई कर देते हैं पॉइंट, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 9 टाइम्स, कंसंट्रेशन को अगर 9 टाइम इंक्रीज किया है, कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय 9 टाइम, तो रेट क्या बन गया बेटा, देन रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, ये बोल, ठीक है, तो पुट करो भाई ये वैल्यूज, गिवन है हमें, क्या अप्लाई करना है इसमें आपको बेटा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम्स देन रेट बिकम्स 3 टाइम्स, रेट 3 टाइम्स बढ़ गया तो इसे पुट करो फर्स्ट में तो क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे, अब की बात देखो, तो 3R, R क्या बन जाएगा, 3R हो जाएगा, और ये कंसंट्रेशन 9 टाइम बढ़ा दिया आपने, तो दिस बिकम्स 3R इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ ए होल रेज टू द पावर n, ये बन गया बेटा। नाउ अब हमें सोल्व करना, तो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट कर दे तो ईजी रहेगा आपके पास। ओके, तो अप्लाई करो डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, what we get, देखिए mean 3r by r is equal to k into 9 a whole raised to the power n over k into a raised to the power n, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, देखो r से r कैंसिल हो गया भाई, फर्स्ट पॉइंट k से k कैंसिल होगा, यहाँ पर 9 a raised to the power n है, a into b whole raised to the power n क्या होता है, a की power n into b की power n होता है, ठीक है ना, mean we can write this, ये 3 आ गया and this is 9 रेज टू द पावर एन इंटू ए रेज टू द पावर एन और ए रेज टू द पावर एन, इसे कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 3:9 रेज टू द पावर एन, बेस सेम हो जाए दोनों साइड तो हम सोल्व कर सकते हैं इसलिए इसको, मीन बेस को सेम कर दिया, वी कैन राइट 9 को क्या लिख सकते हैं 3:2, 3:9 होता है 3:2, और इसकी पावर क्या है एन, मीन इट बिकम्स 3:2 एन, दिस 3 इम्प्लाइज बेस सेम, पावर 1 होगी इसकी, तो मीन 2n इज इक्वल टू क्या आ गया 1, और n क्या आ गया बेटा यहाँ से 1/2, ठीक है, और वी कैन से दैट इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर इज हाफ, ठीक है, यही कैलकुलेट करना था कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर इज हाफ, हाफ ऑर्डर रिएक्शन है ये, बिल्कुल इजी, आप 1/2 लिखो, आप 0.5 लिखो, दिस इज अप टू यू। ओके, तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर,
थैंक्स अ लॉट।